तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट होगा एडमॉब के लिए। अगर आप एडमॉब से उग गए हो या आप सोच रहे हो कि कौन सा एड नेटवर्क आप अपने एप्लीकेशन में लगाओ जिससे कि आपकी रेवेन्यू भी अच्छी खासी इंक्रीज हो जाए और आपकी अर्निंग भी हो। अभी नॉर्मल जो सिचुएशन ये आती है कि अगर आप एडमॉब का एड नेटवर्क यूज़ करते हो तो कभी कभी क्या होता है कि इसके सस्पेंड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में आ जाते हैं लोग। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा अगर आप लोग एडमॉब को इस्तेमाल करते हो या आपको एडमॉब को इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और इसका किस चीज़ में ज़्यादा बेनिफिट होता है और कहाँ पे आपको कौन सी ज़्यादा सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देखने को मिल जाता है। बस आपको इस वीडियो को कम्प्लीट देखना है, उसके बाद आप समझ जाओगे कि आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सही रहेगा। आप चाहे बिना प्ले स्टोर के अर्निंग करना चाहते हो या चाहते हो कि ऐसा एप्लीकेशन हो जहाँ पर हमारे पास पैसे नहीं है प्रमोट करने के लिए, तो उसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सही रहेगा, यहाँ पे मैं आप लोग को सब कुछ बताऊंगा। सिंपली आपको सिर्फ चैनल को लाइक कर देना है, वीडियो को लाइक करिएगा और यहाँ पे चैनल पे सब्सक्राइब हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप लोग के लिए जानना ज़रूरी है वो आप यहाँ पे समझ लो। अगर हम लोग यहाँ पे एडमॉब के अल्टरनेटिव की बात करते हैं, यहाँ पे जो भी एड नेटवर्क है अगर आप उसको किसी भी जो विदाउट कोडिंग वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जहाँ पे एड इन्विटर होते हैं जिनसे कि आप जो है विदाउट कोडिंग जो है डेवलप करते हो एप्लीकेशन, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगा और इनका आप इस्तेमाल आसानी से कर सकते हो अपने एप्लीकेशन में ऐड लगाने के लिए। और यहाँ पे हर एक चीज़ मैं डिटेल में बताऊँगा कि किस तरीके से आपको कौन सा एड नेटवर्क कहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग बात करने वाले हैं वो एडमॉब के बारे में। तो आप सभी ने जान लिया ही होगा कि एडमॉब को किस तरीके से यूज़ करते हैं, लेकिन आजकल जो चल रहा है वो फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क भी चल रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ, इसके लिए आपका एप्लीकेशन जो है, अगर सीधे भाषा में बोलूँ तो आपका एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अपलोड होना चाहिए तभी ये जाके आपके एड्स को शो करता है। लेकिन अगर हम लोग इसके रेवेन्यू की बात करते हैं तो ये वीडियो एड ज़्यादा दिखाता है और इसका अगर आप लोग ECM के बारे में देखोगे तो वो 1.7 से 2.50 इंडिया में शो करता है। हम इंडिया की बात करें, बाहर की बात करोगे तो आपको ECM वगैरह ज़्यादा मिलता है क्योंकि बाहर का जो कॉस्ट पर क्लिक होता है वो ज़्यादा होता है, वहाँ के एडवर्टीजमेंट के रेट भी हाई होते हैं, इस वजह से वहाँ का पैसा भी हाई होता है। अगर हम लोग यहाँ पे पेमेंट का जो आपको मिलता है कि कितने पे आपको पेमेंट मिल जाएगा वो होता है $100 का और आपको ये बैंक अकाउंट में मिलता है, उसके साथ साथ पेपाल से भी आप अर्निंग को ले सकते हो। तो ये तरीका होता है फेसबुक से लेने का। अभी फेसबुक का क्या है कि फेसबुक को आप इस्तेमाल तो कर सकते हो लेकिन इसके लिए आपके लिए तभी फ़ायदा है जब अगर आपके पास जो आपकी ऑडियंस हो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो। अभी ऑडियंस के लिए आपको जो मैंने बता दिया कि इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन होना चाहिए, तो साथ साथ आपको वहाँ पे ऑडियंस भी मिल जाएगी। अगर आपके एप्लीकेशन पे ऑडियंस और ट्रैफिक ज़्यादा अच्छी आ रही है तो आप इसके बैनर इंडस्ट्रियल ऐड का इस्तेमाल कर सकते हो, इससे काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है, बस ये है कि इसमें एडमॉब की तरह आपको जो है $100 होना चाहिए विड्रॉ करने के लिए। तो ये तो बात हो गई फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क की। दूसरा आता है एड कॉलोनी, जिसमें आपका गेमिंग एप्लीकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कोई गेमिंग का कर रहे हो तो उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिल जाता है। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो तो आप इसको आसानी से कर सकते हो, खासकर ये जो है सबसे ज़्यादा उसमें यूज़ होता है जैसे सेल्फ क्लिक जो करते हैं ना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये यूज़फुल माना जाता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे भी तो यहाँ पे इनका भी कहना है कि ये सेल्फ क्लिक के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। यहाँ पे जो ट्रेंड बना है कि मतलब लोग खुद ही के ऐड पे क्लिक करते, तो यहाँ पे क्योंकि अगर आप एडमॉब में करते हो तो आपके अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन ऐड कॉलोनी में सिंपली यहाँ पे जो भी ऐड होते हैं वो कॉस्ट पर क्लिक है और कॉस्ट पर इंस्टॉल पे मेथड पे काम करता है। अगर आप क्लिक करते हो तो आपको उतना रेवेन्यू नहीं मिलता है जो कि नॉर्मली देखा गया है कि आपको यहाँ पे एप्लीकेशन को पहले जो भी एड्स आते हैं आपको उसको वॉच करना पड़ता है, उसके बाद ही आपको उसके पैसे मिलते हैं। यहाँ पे एड कॉलोनी का भी पैसा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर हम लोग यहाँ पे ECM वगैरह की बात करते हैं तो $9 से $15 की ECM मिल जाती है। इसमें आपको कोई भी इंडिया या US वगैरह की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोई भी चीज़ है, बस आपको तरीका मालूम होना चाहिए। अगर आप खुद कर रहे हो तो आपको तरीका आना चाहिए किस तरीके इसको इस्तेमाल करते हैं। बाकी इसका ECM वगैरह जो है वो आपको इंडिया या US से मतलब नहीं होता, वहाँ पर सिर्फ कॉस्ट पर इंस्टॉल पर डिपेंड करता है और कॉस्ट पर इंस्टॉल का जो लेट होता है उस पर अर्निंग ज़्यादा होती है। और यहाँ पे भी अगर आप पेमेंट थ्रेशोल्ड की बात करोगे तो वो $100 होता है
और इसमें आपको वायर ट्रांसफर, बैंक और पेपाल का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। उसी तरीके से स्टार्टअप होता है, स्टार्टअप का भी एप्लीकेशन, बेसिकली अगर आप वीडियो एड्स वगैरह अपलोड करना चाहते हो एनिमेटेड, काफ़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशन आते हैं। लेकिन अगर आप जेन्युइन तरीके से अर्निंग करोगे तो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होता है स्टार्टअप का एप्लीकेशन। इसमें भी ईसीएम वगैरह 7 से $14 तक का मिल जाता है। उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे थ्रेशोल्ड की बात करते हो तो यहाँ पे आपको $50 मिनिमम थ्रेशोल्ड दिया है कि $50 के जैसे ही आप क्रॉस करते हो उसका एक टाइम लिमिट होता है कितने महीने के अंदर। अगर आपका जैसे एडमॉब में है कि अगर आपका पहली 30 तारीख के अंदर अगर आपका जो भी बैलेंस होगा वो 2 तारीख तक आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर जाता है, मतलब कि एडमॉब के अकाउंट में रिफ्लेक्ट करता है और आपके अकाउंट में आते आते 22 से 25 तारीख तक नेक्स्ट मंथ के आ जाता है। तो टोटल जो इसमें टाइम लगता है वो 30 से 45 दिन का लगता है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी हर किसी का होता है। तो यहाँ पे वायर ट्रांसफर मिलता है, पेपाल है, क्रिप्टो करेंसी है, डायरेक्ट डिपॉजिट है, लेकिन वो US पब्लिशर के लिए। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है अर्निंग करने का। और ये भी इसके लिए भी आपको ऑडियंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सिंपली अगर आप चाह रहे हो कि ऐसे जगह अर्निंग करना चाहते हो कि आपके पास एडमॉब नहीं है, सॉरी आपके पास प्ले स्टोर नहीं है, तो आप इसको दूसरी जगह इस्तेमाल कर सकते हो। आप अगर लेट बोल्ट का इस्तेमाल करते हो तो आप इसको ना ही इस्तेमाल करो, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे $100 बड़े लिखा है लेकिन आपको $100 पे विड्रॉल नहीं मिलता, इसमें $500 या $250 के करीब है। तो आपको लेट बोल्ट तो नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके एड्स वगैरह सही से नहीं आते। जो अभी तक का सबसे ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है, जो सबसे ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है जिसको मैं रिकमेंड करता हूँ वो है AppLovin। इसका अगर आप देखोगे काफ़ी ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। इसमें आप सिर्फ अगर देखोगे कि ज़बरदस्त अर्निंग होती है, इसमें जो एड्स आते हैं वो बेसिकली वीडियो एड्स ज़्यादा आते हैं और इसमें आपको पैसे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं। और इसकी जो सबसे बड़ी खास बात यह है कि आप $20-25 में विड्रॉ आराम से कर सकते हो। अगर आपका जैसे ही $20 पहुँचता है, मतलब सोचिए $20 आराम से आपका पहुँच जाता है, आप अर्निंग इसको वायर ट्रांसफर पेपाल के जरिए से आसानी से जो है अकाउंट में ले सकते हो। इसका एक फॉर्म होता है W8 टैक्स फॉर्म है, इसको आपको भरना पड़ता है जो कि काफी ज्यादा इजी, आपको कोई भी डिफिकल्टीज नहीं होती है। इसके लिए आपको कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है कि आप पहले डेवलपर बन जाओ बहुत बड़े या वो करो, कुछ भी नहीं। आप सिर्फ एक एप्लीकेशन किसी की भी वीडियो देख के बना सकते हो, उसमें आप इसको इंप्लीमेंट करके आप चेक कर सकते हो कि क्या है प्रोसीजर इसका। साथ साथ InMobi है, InMobi में भी यही प्लेटफॉर्म होता है, वीडियो एड ज़्यादा आते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे यूनिटी वगैरह भी दिख जाते हैं, ये सब ज़्यादा अच्छे नहीं होते, ये गेमिंग वगैरह के लिए होते हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे ज़्यादा मेन प्लेटफॉर्म जो सबसे ज़बरदस्त होता है वो होता है आपका AppLovin, और दूसरे नंबर पे होता है AdColony। दोनों की अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे आपको दोनों की मिल जाएगी, उसके साथ स्टार्टअप की मिल जाएगी। लेकिन ये प्लेटफॉर्म आपको सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त मिलता है, इसका अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपकी अर्निंग भी काफ़ी ज़बरदस्त हो जाती है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा सक्सेस भी है और अच्छे खासे पेमेंट जो है आपको दिला देता है। अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हो उसमें आपको सारा तरीका मिल जाएगा कि इस तरीके से AdColony वगैरह का आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके ऐड की ये खासियत है कि आप इसको जो है आसानी से जो है कॉडलर वगैरह पे या थंकेबल पे इसके एड्स को लगा सकते हो, आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं बनेगा। अगर कोई नया बंदा भी है जिसको कुछ भी नहीं आता है कि किस तरीके से एड नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करते हैं, वो भी आसानी से करते हो। अगर हम लोग AdColony को यहाँ पर ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको इंटरफेस भी दिखा देते हैं। AdColony का काफ़ी ग्रोइंग है, काफ़ी ज़बरदस्त ने जो है अपने आप को डेवलप किया है और ये आने वाले टाइम पे जो है AdMob को ज़रूर टक्कर देगा जिस हिसाब से इसका चल रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है गूगल है तो उसका कुछ डिमांड ही अलग होता है। अगर आप लोग यहाँ पे बात करोगे AdMob की तो AdMob में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि भूल से भी अगर आपने अपने ही एड्स को देख लिया, मान लीजिए आपने कोई एप्लीकेशन बना लिया उसको आपने खुद ही गलती से आपने अपने एड्स पे क्लिक कर दिया, कभी कभी क्या होता है एक्सीडेंटली क्लिक हो जाता है ऐड पे, तो उससे होता क्या है कि आपके अकाउंट जो है 95% आपके अकाउंट सस्पेंड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी अगर आपने दो तीन बार अगर देख लिया या क्लिक हो गया तो आपका अकाउंट समझ लीजिए गया। ये खासियत होती है AdMob की, उसमें जो है इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा के रखे हैं कि अगर आपने गलती भी कर रहे हो, मतलब जानबूझ के नहीं कर रहे हो, तो भी आपके अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं। लेकिन ये सब चीज़ फ़ायदा है AdColony वगैरह पे कि वो आपके अकाउंट को सस्पेंड नहीं करते, बस ये है कि अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म का मिसयूज़ करते हो तो जाहिर सी बात है वो एक ना एक टाइम पे
उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है अगर आप अर्निंग करना चाहते हो, तो ये आपके लिए ये सब प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। इस पर लॉग इन या आई डी बनाना काफ़ी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। और आपको इसके रिलेटेड मेरे चैनल पे भी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी, मैंने इस पे सारे अल्टरनेटिव पे ऑलरेडी जो है वीडियो डाल के रखी है कि कौन से प्लेटफॉर्म से आपकी कितनी अर्निंग हो जाएगी, या जो भी चीज़ है यहाँ पे मैंने जो है पहले से डाल के रखा हुआ है, ये सब आप देख सकते हो। एक एक साल पुरानी वीडियो है जिसमें मैंने एडमॉफ के अल्टरनेटिव से रिलेटेड सारी वीडियो पहले ही डाल दी थी कि जिसमें आप लोग को दिक्कत ना हो समझने में। आप यहाँ पे देख सकते हो सारा जितना भी है, एड कॉलोनी, ऐप लविंग, सब कुछ जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने पहले ही जो है इंस्टॉल कर दिया था। तो होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी और आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप लोग अर्निंग कर सकते हो। बाकी अगर आपको कुछ नया जानना हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।